बिहार में विरोधी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप सत्य इन दिनों प्रतीत हो रहा है। बिहार में माफिया राज है, माफियाओं का जनता दल यूनाइटेड में प्रवेश है और जनता दल यूनाइटेड माफियाओं को पालती है। यह बात बार बार विरोधी पार्टी के नेतागण कहते हैं, जो इन दिनों साबित बिहार में होता दिख रहा है। अब नीतीश जी के लिए अग्नि परीक्षा के समान है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है, क्या नीतीश कुमार जी उन माफियाओं को अपने दल का टिकट से वंचित करेंगे या उन माफिया तंत्र को पर शिकंजा कसने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव, मैं हमेशा सत्य और पारदर्शी बात आपके सामने करने का प्रयास करता हूं। इन दिनों बिहार में जो वस्तु स्थिति है, जिससे मैं आपको वाकिफ करा चुका हूं कई वीडियो डालकर, अनंत सिंह नीतीश कुमार के शागिर्द थे। नीतीश कुमार हाथ जोड़कर उनसे सरकार बचाने के लिए विनती करते थे और अनंत सिंह विधायकों को धमकाकर नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए कहा करते थे। आज वही अनंत सिंह नीतीश कुमार के विरोधी हो गए और ललन सिंह और नीरज कुमार शर्मा दोनों मिलकर नीतीश जी के साथ हो गए और अनंत सिंह को दरकिनार करने के लिए, लोकल राजनीति से दूर करने के लिए, विधायकी से दूर करने के लिए, उनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। क्योंकि जब नीतीश की सरकार को बचाने के लिए अनंत सिंह एड़ी चोटी एक कर सकते हैं, तो नीतीश की सरकार इस बार ना बने उसके लिए भी अनंत सिंह एड़ी चोटी एक कर सकते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस खेमा से अपने पत्नी को चुनाव लड़ा चुके हैं। यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है। बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को राजनीति से दूर करने के लिए UAPA एक्ट के तहत उन्हें जेल भेजने का प्रोग्राम बना लिया। इस मामले में जब वो जेल जाएंगे, उन्हें सजा होगी, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, बेल नहीं होगा, वो सदा के लिए राजनीति से दूर हो जाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार जी के सरकार बनने में जो रोड़ा और जो बाधा अनंत सिंह पैदा करते, उन्हें चुनाव आने से पहले ही निकाल दी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में कई माफिया तंत्र हैं विधायक, कई माफिया तंत्र के सगा संबंधी हैं विधायक, क्या अनंत सिंह के अलावे माफिया मुक्त नीतीश जी सरकार को कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार जी जीरो अपराध टॉलरेट का जो नारा देते हैं, क्या उस नारा के तहत पारदर्शी काम करके नीतीश कुमार माफिया तंत्र को समाप्त करेंगे? बिहार के अंदर पप्पू यादव जो जाप पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में माफिया तंत्र का राज है, माफियाओं का बोलबाला है, माफिया ही बिहार सरकार को चला रहे हैं। अब कौन से माफिया चला रहे हैं तो नीतीश कुमार जी ही जानते होंगे और नीतीश कुमार जी अब घिर गए चारों तरफ से और उन्हें अब अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। माफिया तंत्र के कारण ही अपराध बेतहाशा बिहार में बढ़ा, क्योंकि सारे अपराध करने वाले अपराधी सरकार के नुमाइंदों से जुड़े हुए थे और उसी के इशारे पर अपराध हो रहा था। लेकिन जदयू और भाजपा के लोग ध्यान भटकाने के लिए विपक्षियों के बारे में तरह तरह का प्रचार करते रहे, लेकिन इन दिनों अनंत सिंह प्रकरण में नीतीश कुमार जी के सुशासन का भंडाफोड़ हो गया और नीतीश कुमार जी के सुशासन का भंडाफोड़ इस तरह हुआ
कि लोगों को समझ में आ गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर हैं तो उन्हें समाप्त करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। अनंत सिंह बहुत बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, तब उन्हें कंप्लीट समाप्त कर देने की षड्यंत्र रची गई और उस षड्यंत्र में सरकार सफल हुई। इसीलिए कहा जाता है कि सरकार के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति सरकार के गले की हड्डी बन जाते हैं और सरकार उस हड्डी को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं एक पत्रकार के नाते यह कहना चाहता हूं कि सेवक बनना होगा बिहार में, सेवा जनता की करनी होगी, सत्य बात करनी होगी, जो योजना है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए, जो सरकार की राशि है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो सरकार द्वारा लाभ देने की घोषणा करी जाती है उसके मुताबिक काम जमीनी होनी चाहिए। बिहार में काम कम, भाषण ज्यादा, नारा ज्यादा और आश्वासन ज्यादा लोगों को दिया जाता है। लोग करा रहे हैं, लोग परेशान हैं, सड़कों के में गड्ढा, नालियों में कादो, सड़कों पर पानी, बांध टूट चुकी है, गली कुची नरक बन गई है, लेकिन बिहार सरकार के नुमाइंदे कुछ देखने को तैयार नहीं है। कारण इसके पीछे यह है कि देशभक्ति के नारा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा हमेशा वोट दिलाने में सफल हो जाएगी, इस ख्वाब में जी रहे हैं नेतागण। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बिहार में चल रही है और इस सरकार में माफियाओं का बोलबाला है। माफिया तंत्र से क्या नीतीश जी छुटकारा पाएंगे? क्या ऐसे दागी विधायक जो नीतीश जी के सरकार में हैं, जो भाजपा या जदयू के विधायक हैं, क्या उन लोगों को टिकट से वंचित किया जाएगा या विरोधी पार्टी का नाम लेकर बचते रहा जाएगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और अनंत सिंह भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, बार बार वो सोशल मीडिया में उनका वीडियो प्रसारित होता है, पुलिस हाथ पर हाथ धरी है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, पुलिस छापेमारी कर रही है, पुलिस की नाकामी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि अनंत सिंह वाकई में बाहुबली हैं। सरकार पर भारी छोटे सरकार है, उनकी अपनी कानून है, उनके अपने व्यवस्था है, उनके अपने नियम हैं। तो फिर ऐसे लोगों को सरकार ने पहले अपने साथ क्यों रखा, कैसे रखा, क्यों नहीं पहले अंकुश लगाई गई? और भी कई विधायक हैं जदयू में और भाजपा में बिहार में पल रहे हैं जो माफिया तंत्र हैं, उन्हें भी दरकिनार कर देना होगा नीतीश कुमार जी को। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी, जनता देख रही है, समझ रही है। अब माफिया को नीतीश जी नहीं छोड़ेंगे ऐसा नीतीश जी कहते हैं, लेकिन क्या नीतीश जी माफियाओं को हटाकर स्वच्छ सरकार बनाकर स्वच्छ बिहार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं? क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि माफिया और दागी विधायकों का टिकट काटकर स्वच्छ पढ़े लिखे लोगों को और सही चरित्र वाले लोगों को सत्ता में आने देंगे? यह नीतीश जी की परीक्षा की घड़ी है। नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेट की बात करते हैं, अब उन्हें जीरो टॉलरेट साबित करना होगा अपराध में। अपराध चरम सीमा पर है, माफिया तंत्र का भंडा फूट चुका है, सरकार खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ रही है कि वो फेल है। अब अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा नीतीश कुमार जी को। बिहार त्रस्त है जंगल राज 2 से, अब इससे मुक्त दिलाना नीतीश सरकार का काम है। नीतीश सरकार नकेल कसेगी या नहीं कस पाएगी, अनंत सिंह चुनौती दे रहे हैं, अनंत सिंह कई आरोप गंभीर लगा रहे हैं, उन आरोपों का खंडन बिहार सरकार के कोई नहीं कर पा रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है क्योंकि मैंने कांग्रेस से अपने पत्नी को लड़ाया।
क्या अनंत सिंह के बातों में दम है, क्या अनंत सिंह सही कह रहे हैं, क्या अनंत सिंह सत्य बोलकर जनता के सामने जदयू और भाजपा को एक्सपोज कर रहे हैं, यह वक्त बताएगा। वक्त के तराजू में ही तौला जाएगा कि इन लोगों के वादे केवल खोखले हैं या अनंत सिंह की बातें सत्य है। लिपि सिंह जदयू सरकार के राज्यसभा सदस्य की बेटी है, यह भी आरोप लग रहा है। शिवानंद तिवारी ने भी इस बात का खंडन किया, रघुवंश सिंह ने किया, पप्पू यादव ने किया, कई नेताओं ने किया कि आतंकवाद वाला धारा लगाना अनुचित है, क्योंकि आतंकवादी संलिप्तता नहीं देखी गई अनंत सिंह की। बहरहाल यह सरकार का फैसला है, सरकार जो चाहे करे, लेकिन बिहार के जनता के सामने प्रश्न है कि क्या माफिया राज नीतीश कुमार जी खत्म करने के लिए कृत संकल्पित हैं कि केवल अनंत सिंह को खत्म करना है, या जो जदयू और भाजपा में पल रहे हैं माफिया तंत्र विधायक लोग उनको भी समाप्त करेंगे या केवल अनंत सिंह, यह बहुत बड़ा प्रश्न है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के सामने है। उन्हें साबित करना होगा कि प्रतिद्वंदी के अलावे मैं अपने दल में भी पल रहे माफिया तंत्र को राजनीति से दूर करूंगा और उन पर भी नकेल लगाने का प्रयास करूंगा। जो बिहार की पुलिस है वह वैसे भी विधायक और सांसद पर नकेल कसेंगे जो माफिया तंत्र हैं, जिनके नीचे माफिया लोग पल रहे हैं, तब मैं आगामी विधानसभा में सीना ठोक कर बोल पाऊंगा कि जीरो टॉलरेट अपराध का स्कीम हमारा बिहार में चल रहा है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।